नमस्कार, आप देख रहे हैं टारगेट विदालोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। मैं हूं विवेक मिश्र। 8 PM न्यूज बुलेटिन में उन तमाम खबरों पर नजर डालेंगे जो आपके परीक्षाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे, लेकिन उसके पहले हेडलाइंस पर डालते हैं एक नज़र। EWS की 10% आरक्षण व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ को हस्तांतरित। प्रधान न्यायाधीश बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने दिया यह आदेश। श्रीलंका के संसदीय चुनाव में राजपक्षे की श्रीलंका पीपुल्स पार्टी का शानदार प्रदर्शन। महिंद्रा राजपक्षे बने रहेंगे प्रधानमंत्री। भारतीय PM नरेंद्र मोदी ने फोन कर दिया बधाई। तो चलिए आज की बड़ी खबरों के साथ आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हाल ही में आर्थिक रूप से कमजोर या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS के लिए नौकरियों और दाखिले में 10% आरक्षण की व्यवस्था करने वाले संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ के पास हस्तांतरित कर दिया गया। साथ ही प्रधान न्यायाधीश SA बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय खंडपीठ ने यह भी आदेश दिया है कि इससे संबंधित उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं को भी 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ को हस्तांतरित किया जाए। दरअसल 103वें संविधान संशोधन के जरिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में खंड 6 को शामिल किया गया था। इसी 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए याचिका दायर की गई थी। गौरतलब है कि इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बोबड़े की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 31 जुलाई 2019 को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। दरअसल माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यह तय करना था कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की वैधता से संबंधित मामले को संवैधानिक पीठ के पास भेजा जाए या नहीं। गौरतलब है कि 103वें संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 15 और 16 में अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ देने के लिए 6वें खंड को जोड़ा गया था। यहां आपको बताना आवश्यक है कि संविधान के अनुच्छेद 15 के 4थे और 5वें खंड में शामिल लोगों को छोड़कर अन्य सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। इन संस्थानों में गैर अनुदानित और अनुदानित दोनों प्रकार की शिक्षण संस्थाएं शामिल हैं, लेकिन अनुच्छेद 30 के खंड 1 के तहत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं नहीं शामिल हैं। जबकि संविधान के अनुच्छेद 16 का 6वां खंड राज्य को यह पावर देता है कि वह अनुच्छेद 16 के खंड 4 में वर्णित वर्गों को छोड़कर देश के सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का कोई प्रावधान करे। यहां एक बात का और ध्यान दें कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 10% है और यह मौजूदा आरक्षण के अलावा है। इस पूरे मामले में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यह प्रावधान संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। आगे यह भी कहा गया कि 1992 में इंदिरा साहनी के वाद में न्यायालय ने स्पष्ट कहा था कि पिछड़े वर्ग का निर्धारण केवल आर्थिक कसौटी के संदर्भ में नहीं किया जा सकता। याचिकाओं ने यह भी तर्क दिया कि EWS के लिए लागू किए गए आरक्षण का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लागू 50% की सीमा का भी उल्लंघन करती है। गौरतलब है कि पहले से ही SC को 15%, ST को 7.5% और OBC को 27% की दर से आरक्षण दिया जा चुका है। इस बाबत सरकार ने तर्क दिया कि EWS के सामाजिक उत्थान के लिए आरक्षण की व्यवस्था आवश्यक है। सरकार ने कहा कि EWS श्रेणी में देश का एक बड़ा वर्ग शामिल है और इनका भी उत्थान आवश्यक है। इसका उद्देश्य देश के 200 मिलियन लोगों का उत्थान करना है जो अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। जस्टिस बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने कहा, हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि आर्थिक पिछड़ापन इस प्रकार के आरक्षण के लिए एकमात्र मानदंड हो सकता है या नहीं। साथ ही पीठ यह भी तय करेगी कि क्या आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो सकती है।
तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 143 के तीसरे खंड के अनुसार कानून की व्याख्या संबंधी प्रश्नों की सुनवाई के लिए संवैधानिक पीठ द्वारा सुना जाना चाहिए। इस प्रकार इस प्रयोजन के लिए संविधान पीठ का गठन किया जाएगा, जिसमें कम से कम 5 न्यायाधीश शामिल होंगे। श्रीलंका के संसदीय चुनाव में श्रीलंका पीपुल्स पार्टी को एक बार फिर शानदार जीत मिली है। मतलब साफ है कि अब महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। आपको बता दें कि बीते साल नवंबर में महिंद्रा राजपक्षे को केयरटेकर प्रधानमंत्री बनाया गया था। इस चुनाव में उनकी पार्टी को 2/3 बहुमत मिला है। गौरतलब है कि 9 महीने पहले महिंद्रा राजपक्षे की पार्टी को राष्ट्रपति चुनाव में जीत मिली थी। महिंद्रा के छोटे भाई गोटाबाया राजपक्षे पहले से ही देश के राष्ट्रपति हैं। महिंद्रा राजपक्षे की इस शानदार जीत पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर बधाई दी। श्रीलंका पीपुल्स पार्टी ने 225 संसदीय सीटों में से कुल 145 सीटें जीती हैं। साथ ही 5 सीटें श्रीलंका पीपुल्स फ्रंट की सहयोगी पार्टियों को मिली हैं। महिंद्रा राजपक्षे ने कहा कि वे भारत से श्रीलंका के संबंधों को और बेहतर बनाने का काम करेंगे। भारत और श्रीलंका अच्छे मित्र राष्ट्र हैं। आपको बता दें कि महिंद्रा राजपक्षे साल 2005 से 2015 तक श्रीलंका के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। गौरतलब है कि 225 संसदीय सीटों में से 196 सीटों पर निर्वाचन के लिए मतदान का अधिकार है। वहीं 29 अन्य सांसदों का चयन प्रत्येक पार्टी द्वारा हासिल किए गए मतों के अनुसार बनने वाली राष्ट्रीय सूची से हुआ। इस चुनाव में 20 राजनीतिक दलों और 34 स्वतंत्र समूहों के 7200 से ज़्यादा उम्मीदवार 22 चुनावी जिलों से मैदान में थे। और अब अंत में चलते चलते कुछ छोटी लेकिन महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं नज़र, जो आपकी परीक्षाओं के लिए हो सकता है महत्वपूर्ण। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG नियुक्त किया गया। IAS अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। राजीव महर्षि का कार्यकाल 7 अगस्त को पूरा हो रहा है। उनको साल 2017 में CAG नियुक्त किया गया था। उनका कुल कार्यकाल 3 वर्ष का था। गिरीश चंद्र मुर्मू 8 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में अपना पदभार ग्रहण करने के लिए शपथ लेंगे। मुर्मू 1985 बैच के गुजरात कैडर के IAS रहे हैं। गुजरात में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव रहते हुए उन्होंने कई परियोजनाओं पर कार्य किया था। हाल ही में वैज्ञानिकों के एक समूह द्वारा यह दावा किया गया कि भारतीयों में विटामिन डी की कमी COVID-19 के मरीजों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के विभिन्न राज्यों के लोगों में विटामिन डी का स्तर 3.15 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर से लेकर 52.9 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर तक पाया गया, जो कि औसत आवश्यक स्तर 30 से 100 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर से काफ़ी कम था। विटामिन डी वसा में घुलनशील एक विटामिन है, जो प्राकृतिक रूप से बहुत कम खाद्य पदार्थों जैसे कि मछली और मछली के यकृत के तेल, पनीर और अंडे की जर्दी यानी पीले वाले भाग में पाया जाता है। इसका स्राव शरीर में उस समय होता है जब सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी किरणें त्वचा पर पड़ती हैं। साथ ही विटामिन डी रक्त में कैल्शियम और फास्फेट की पर्याप्त मात्रा को बनाए रखने में भी मदद करता है। हाल ही में लेबनान की राजधानी बेरूत में एक भयानक और जानलेवा विस्फोट हुआ, जिसमें 100 से ऊपर लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेबनानी अधिकारियों द्वारा इस विस्फोट का कारण अमोनियम नाइट्रेट को बताया गया। अमोनियम नाइट्रेट एक रंगहीन गंधहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। यह जल में अत्यधिक घुलनशील होता है। जल में घुले अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर यह नाइट्रस ऑक्साइड यानी लॉफिंग गैस में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन जैसे ही अमोनियम नाइट्रेट को ईंधन के साथ मिलाया जाता है, यह एक शक्तिशाली विस्फोटक के रूप में बदल जाता है, जिसका इस्तेमाल पहाड़ों को तोड़ने, कोयले की खदानों में और ऐसे ही विनिर्माण क्षेत्रों में किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग कृषि के क्षेत्र में भी उर्वरक के रूप में किया जाता है।
मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के नागरिकों में मास्क के प्रति जागरूकता पैदा करने और उन्हें मास्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक नगरीय निकाय में 1 से 15 अगस्त तक एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान चलाएगी। इस संबंध में राज्य के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने बताया कि राज्य के नागरिक मास्क का उपयोग कर स्वयं को कोरोना के संक्रमण से बचाने के साथ ही इसके संक्रमण के प्रसार को रोकने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। गौरतलब है कि मास्क कोरोना संक्रमण को रोकने का सबसे सरल और कारगर साधन है, इसलिए प्रत्येक स्वयंसेवी संगठनों और नागरिकों से मास्क दान करने की अपील भी किया जाएगा। साथ ही मास्क एकत्रित करने के लिए मास्क बैंक भी बनाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और जापान में शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। जापान के हिरोशिमा पर इसी दिन अमेरिकी एयरफोर्स द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। इसे मानव इतिहास में काला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मूल उद्देश्य ये है कि इस तबाही से दुनिया कुछ सीख सके। आपको बताते चलें कि अमेरिका दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने मानव इतिहास में सबसे बड़ा नरसंहार करने वाले परमाणु बमों का इस्तेमाल किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक यूरेनियम गिराया था, जो उस समय का सबसे शक्तिशाली बम माना जाता है। वहीं 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन नामक प्लूटोनियम बम गिराया था। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठक 4 से 6 अगस्त के बीच मुंबई में संपन्न हुई। यह बैठक चालू वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की बैठक थी। इस बैठक में समिति ने सर्वसम्मति से नीतिगत दरों में कोई परिवर्तन नहीं करने का निर्णय लिया। इस बैठक में आरबीआई ने रेपो दर को 4% और बैंक दर को 4.25 पर ही बनाए रखा है। इस बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर ने कहा कि उपभोक्ता सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर जो मार्च में 5.8% थी, वह जून में अंतरिम अनुमानों के अनुसार 6.1% हो गई है। फिलहाल 8 PM के इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमको जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए जुड़े रहिए टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।